बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है, यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अहम भूमिका है जिसने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बौना पड़ते जा रहे हैं, उन्हें हर कार्यक्रम से दूर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24, मैं हूं विवेका। मैं बता रहा था आपको कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पिछले 16 साल से हैं, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की सरकार होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का दबाव नीतीश कुमार पर अधिक है। आपको पता हो कि जीतन राम मांझी का समर्थन प्राप्त है, वीआईपी के मुकेश सहनी का समर्थन प्राप्त था, लेकिन मुकेश सहनी के विधायक भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए और मुकेश सहनी को मंत्री पद से हटा दिया गया। विरोध करने वाले को पद से, मंत्री पद से हटाकर दरकिनार कर दिया जाता है। मुकेश सहनी की राजनीति लगभग समाप्त की ओर है। बिहार में अब भारतीय जनता पार्टी अपने वर्चस्व को कायम करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी के नितिन गडकरी सड़क पुल उद्घाटन शिलान्यास में आते हैं और मुख्यमंत्री के नाम लिए बिना उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का संबोधन में मुख्यमंत्री के रूप में नाम लेते हैं। इस उच्चारण को आप जुबान फिसलने की बात नहीं कह सकते, इसलिए कि नितिन गडकरी मंत्री हैं केंद्र में और उन्हें बखूबी पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हैं जो भाजपा कोटे के हैं। लेकिन गडकरी साहब संबोधन में उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री के रूप में प्लेस किया, बवाल मचा। जो भी कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की होती है बिहार में, उस कार्यक्रम में नीतीश कुमार का चित्र पोस्टर में नहीं होता है। प्रोटोकॉल के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन नीतीश कुमार का तस्वीर नहीं होना कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को प्रताड़ित करना चाहती है और नीतीश कुमार को बौना बनाने का मन बनाया है। एक नहीं कर कई कार्यक्रम बिहार में ऐसे हुए हैं जिस कार्यक्रम में नीतीश कुमार का तस्वीर नहीं रहता है और नीतीश कुमार को उस कार्यक्रम में बुलाया भी नहीं जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, एनडीए की सरकार है। एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बात करती है कि सहयोगी पार्टी को मैं नहीं छोड़ता हूं, लेकिन अब नीतीश कुमार का तस्वीर में, पोस्टर में तस्वीर ना होना, नीतीश कुमार सीएम है, उप मुख्यमंत्री का नाम सीएम के रूप में प्रचारित करना और प्रतिष्ठित पद पर बैठ के गडकरी साहब करते हैं, इससे आप अंदाजा यह लगा सकते हैं कि नीतीश कुमार को कहीं न कहीं छोटा कद करने का प्रयास किया जा रहा है। चर्चा यह भी हुई कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाकर दिल्ली भेजा जाएगा और बिहार के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी कोटा के होंगे। चर्चा तेज थी, तरह तरह की बातें हो रही थी, लेकिन फिर विराम लगा। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ संपर्क बढ़ाया और एक दूसरे के यहां जाना आना प्रारंभ किया तो यह चर्चा थम गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बिहार में किसी भी कार्यक्रम में शिलान्यास उद्घाटन में नीतीश कुमार को दरकिनार किया जाता है, नीतीश कुमार के तस्वीर को पोस्टर में नहीं डाला जाता है और उच्चारण में तारकिशोर प्रसाद को मुख्यमंत्री कहा जाता है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं है, एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिहार के सत्ता को हथियाना चाहती है और नीतीश कुमार जोड़ तंगड़ करके सरकार बनाए हुए हैं,
लेकिन जब दबाव बढ़ता है तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से संपर्क बढ़ाते हैं और दोनों के बीच में घंटन गप होता है। अब इस गप को देखकर भारतीय जनता पार्टी चुप लगा देती है, लेकिन यह चुप और चुपचाप कार्यक्रम कब तक चलता रहेगा। लेकिन जो भी हो, बिहार के मुख्यमंत्री को हर हाल में दरकिनार करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है और लगातार हो रही है। इस दरकिनार किए जाने के कारण नीतीश कुमार स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाते। नीतीश कुमार लोगों से जनसंवाद करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, लोगों के पास जाने लगे हैं और डोर टू डोर भ्रमण भी उन्होंने करना प्रारंभ किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मंशा बिहार के सत्ता पर काबिज होना है। आपको पता हो कि नीतीश कुमार की सीट कम थी, भारतीय जनता पार्टी की सीट ज्यादा थी, फिर भी भाजपा ने नीतीश कुमार को सरकार बनाने का मौका दिया और भारतीय जनता पार्टी के दो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, साथ ही साथ कई मंत्री सरकार में कार्यरत हैं। अब देखना यह है कि वक्त रहते क्या नीतीश कुमार की सम्मान इसी तरह जाती रहेगी, या नीतीश कुमार कोई ठोस कदम उठाएंगे, या नीतीश कुमार को इसी तरह अपमान का घूंट पीकर दरकिनार होना पसंद होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।